तो किसी भी नेता के भाषण में आप नहीं सुने होंगे जो 5 मिनट की शिक्षा में बोलता है, किसी पार्टी का हो, वर्तमान हो, पूर्व हो, कोई भी हो, नहीं बोलता है। तो मकसद है लोगों को कहना, हम लोगों को जगा रहे हैं कि कम से कम आप शिक्षा में बात करो, चावल जो बात में बात करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश श्याम है और हम लोग बनारस के जयापुर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था उस गांव से पैदल यात्रा कर रहे हैं और सारे कलेक्टर जो रास्ते में पड़े हैं, जैसे बनारस के कलेक्टर हो गए, सुल्तानपुर जौनपुर के कलेक्टर हो गए, सुल्तानपुर के कलेक्टर हो गए, इसके बाद 2 तहसीलें पड़ी हमारी हैदरगढ़ की और मुसाफिर खाना की, इसके बाद लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिया, कल सरोजनी नगर तहसील पर हम लोगों को ज्ञापन दिया, आज आपके उन्नाव में जिला अधिकारी महोदय तो नहीं थे, अनुपस्थिति में थे, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हम लोगों का एक ही मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए, जिस तरह सांसद विधायक का बच्चा पढ़ता है उसी तरह की शिक्षा एक आम मतदाता को होना चाहिए। हम लोगों का मकसद किसी पार्टी का विरोध करना नहीं है, हम लोग का मकसद यही है कि सिर्फ शिक्षा एक समान होना चाहिए। देखिए सरकार वाले अगर कलम से नहीं कह रहे हैं तो जो विपक्ष में है वो मुंह से नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको एक समान की शिक्षा देंगे। आपके चैनल के माध्यम से उस नेताओं से और अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या बगैर शिक्षा का किसी गरीब का गरीबी दूर हो सकती है क्या? कहाँ तक जाएंगे आप? हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे और जो भी पूर्व वर्तमान सांसद विधायक मिलेंगे उनको भी हम ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग पैदल जा रहे हैं।